लगा नहीं रहा तो राइट आफ्टर ग्रिल वुड बारबेक्यू शॉर्ट रिब्स बेहतरीन स्पाइसेस हैं ये वीडियो जो है ना उसके अंदर आई विल नॉट कंसिडर कि क्या रेसिपी वगैरह उसके लिए मैं एक अलग वीडियो वगैरह करूँगा लेकिन ये वीडियो मोस्टली जाएगा हम लोग आउटडोर रूट के अंदर किस तरह शॉर्ट रिप्स करते हैं और ये हो गए हैं तैयार और बहुत ही ज़बरदस्त कनाडा की सर्दियों के लिए तो लकड़ी के अंदर ओपन फायर का एक अलग ही मज़ा है आई थिंक काफ़ी अरसे से हम लोग ये ओपन फायर आउटडोर चिकन कुकिंग की बात कर रहे थे और आई थिंक इट्स ऑल रजा ने पूरा इसका बनाया है ब्यूटीफुल डेक डन ये कोई कॉटेज वगैरह नहीं बैकयार्ड और आज का जी ये फर्स्ट ट्रायल है जो हम लोगों ने की है बाहर वुड के ऊपर चिकन करने की आई थिंक आपने जो कंटिन्यू वीडियो होगी उसके अंदर इसका पूरा होगा कि हमने किस तरह से की है बट ये है कि इंशाल्लाह आप इसके बाद हम और भी चीज़ें करेंगे और आज जो है Bismillahirrahmanirrahim. Oh, this is a beauty. Ah, kya smell. Ab Artu ko laega ghode pe daudta hua na. नीचे की आग जो है ना ये ऊपर आ रही है और बीच में आपको मीट तैरता हुआ नजर आ रहा है
मैं चाहता हूँ जिसके पास 75 इंच की स्क्रीन है ना, वो पूरी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ गोश्त के अंदर बैठा हुआ हो। क्या माहौल है? सूफी म्यूजिक। ये सूफी तो नहीं, ये वाला कलाम सूफी नहीं है, एक कलाम सूफी है। ये उसका ब्रेंच है, दो आगे आ नहीं सकते जो नेशनल सूफी है डीसी में, फिर डियर फार्म। Thank you.
नहीं नहीं, वो जो पठान हंडी में गोश्त बनाता है या सब्जी बनाता है ना, वो बड़ी अमेजिंग होती है, खुशबू उसका ये है। दरिया के किनारे लेकिन करो अगर अच्छा अच्छा फूड खाना है ना तो पठान आपके अंदर का जो है बिल तो ज्यादा नहीं, अच्छा फूड पठान की तरफ जाओ, पठान की तरफ। और इस कॉटेज की बेस्ट बात पता क्या है ना, $700 पे करने हैं ना, $800 पे करने हैं ना, 900। उल्टा उल्टा रिब्स भी खाया, चिकन भी खाया, खाई। और इसका पता कॉस्ट क्या है, एक दफ़ा ऐसा खुद करके देना है बस। वो अगर टाइम लिमिट है, 2 महीने में करो, 3 महीने में करो, 4 महीने में करो, और अगर ना भी करो तो कोई ऐसी बात नहीं, आपस घर की बात है। जबरदस्त चाय जो मजो रूबी डस्ट जो मजो चाय जो मजो रूबी डस्ट जो मजो करक चाय जो मजो रूबी डस्ट जो मजो।